जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम जी कंप्यूटेबिलिटी एंड कंप्यूटेबल फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था अपने एल्गो एनालिसिस के अंदर। सो टुडेज टॉपिक अबाउट द नॉन कंप्यूटेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ कंप्यूटेबिलिटी एंड डिसाइडेबिलिटी, नॉन कंप्यूटेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी। सो लेट्स अवर स्टार्ट। एंड एल्गोरिदम ऐसा प्रॉब्लम या एल्गोरिदम कह रहे हैं दैट हैज नो एल्गोरिदम, आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम जो हमारे पास है, स्टेटमेंट हमारे पास कुछ ऐसी आती हैं जिनका सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है, बट वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी प्रॉपर एल्गोरिदम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एंड एल्गोरिदम, एल्गोरिदमिक प्रॉब्लम दैट हैज नो एल्गोरिदम इज कॉल्ड नॉन कंप्यूटेबल, जिसके लिए प्रॉपर हमारे पास कोई एल्गोरिदम नहीं है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, नॉन कंप्यूटेबल होगा। एंड इफ द नॉन कंप्यूटेबल एल्गोरिदम रिक्वायर्स अ यस और नो आंसर, द प्रॉब्लम इज कॉल्ड अनडिसाइडेबल। अब आपको पता नहीं है कि इसका आंसर हमने यस yes में करना है या नो में करना है। यू हैव बोथ वेज टू गो बट यू आर नॉट गोइंग टू डिसाइड, यू आर अनएबल टू डिसाइड, सो दीज आर अनडिसाइडेबल, ठीक है। और एल्गोरिदमिक प्रॉब्लम दैट हैज नो एल्गोरिदम, वो हमारे नॉन कंप्यूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ ये टाइल्स नजर आ रही हैं, डिफरेंट कलर्स हैं इसमें, ठीक है, उसमें पोर्शन हैं कलर्स के। सो गिवन एनी सेट ऑफ एनी नंबर ऑफ डिफरेंट टाइल्स डिजाइन आपको दी हुई है, इनफिनिट नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ टाइल, so can we tile any area with these tiles so that like colored edges touch, jo ek jaise color hai edges touch kare, hamare paas infinite number of tiles hain, bas please mic mein jo hai mute karta hu saro ka, so disruption hoti hai, full baat hamare samne sabko la jaise जी। सो कम टू द पॉइंट अगेन, विद एन इनफिनिट नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ टाइल कैन वी टाइल एनी एरिया विद दीज टाइल्स सो दैट लाइक कलर्ड एजेस टच, जो एक जैसे कलर्स हैं वो आपस में टच करेंगे, मिक्सअप हो सकते हैं, मैचअप बना सकते हैं कि नहीं। वी हैव इनफिनिट नंबर ऑफ टाइल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर शो की हुई है। अब ये प्रॉब्लम आपका अनडिसाइडेबल होगा, लेट्स से ये देखिए, अब लेट्स से अब मेरे पास तीन कलर है सिर्फ ये वाले, ठीक है, अगर मैं इनको एक तरीके से ज्वाइन कर लूँ, ठीक है, मेरे पास फाइनाइट नंबर है ये तीन सिर्फ मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल, फिर तो मैं इजीली अरेंज कर लूँगा मैं, ठीक है, मेरा आंसर यस होगा। जैसे कि ये पैटर्न आपके सामने नज़र आ रहा है, अगर मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ जो टाइल्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइल्स हैं, एंड इफ आई एम गोइंग टू से दैट कि मेरे पास टाइल्स फॉर दिस रूम, लेट्स से ये 3x3 रूम, इफ यू ट्राई ऑल 3x3 रेज टू पावर 9 टाइलिंग कॉन्फ़िगरेशन हम इसके लिए तैयार करते हैं, तो कोई भी टाइल वर्क नहीं करेगा जिसमें आपकी एजेस मैच करें, ठीक है, प्रॉपर एजेस मैच नहीं करेगा, एक मैच हो जाएगी, दो मैच हो जाएगी, तीनों मैच नहीं होंगी, पैटर्न मैच नहीं होगा, जस्ट लाइक इसमें हो रहा है। अगर आप वर्क करें ऊपर वाली फिगर पर आ जाता हूँ, याद में देखें पैटर्न मैचिंग हो रही है, काफ़ी हद तक मीटअप कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे नहीं मिलेंगे। फॉर दिस 3x3 रूम इफ यू ट्राई ऑल 3 raised to power 9, 3 into 3 9 होता है ना, तो यू हैव 9 साइड्स, तो टाइलिंग कॉन्फ़िगरेशन, और ये तो सिर्फ इसमें थोड़ी सी बात की जिसमें आपके पास तकरीबन सिटी जब बढ़ रही है, जब हमारे पास कॉम्बिनेशन बढ़ रहे हैं, अगर मेरे पास अगर हो ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइल्स और लार्ज नंबर ऑफ टाइल्स हों, तो हाउ यू कैन अरेंज, इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी और एंड दैट प्रॉब्लम विल बी अनडिसाइडेबल, सो दैट विल बी नॉन कंप्यूटेबल। इस सेंस में कि हमें इतना कॉम्प्लेक्स टारगेट, सर आपकी आवाज थोड़ी सी डाउन डाउन हो रही है, आवाज पतली हो रही है सर, एक मिनट जी दोबारा चेक करता हूँ।
जी अब कुछ बेहतर है? जी, आवाज आ रही है आपकी। जी डायरिंग प्रॉब्लम की तरफ दोबारा मूव करता हूं जी। हमारे पास लेट्स से पॉसिबल एल्गोरिथम, इफ यू फाइंड अ रिपीटिंग पैटर्न हमें मिल जाता है देन रिपोर्ट यस यस, ठीक है। इफ यू फाइंड अ फ्लोर दैट वी कैन नॉट टाइल, हमारा पैटर्न ही मैच नहीं हो रहा किसी भी लिहाज से हम कॉम्बिनेशन से, देन आंसर विल बी नो। बट इफ देयर आर सम टाइलिंग्स व्हिच हैव नो रिपीटिंग पैटर्न, कुछ टाइल्स ऐसी भी होती हैं जिनमें कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं होता, दैट सही है, अब इनका कॉम्बिनेशन हमने बना रहा है, ठीक है। कुछ एक एग्जांपल दी हुई आपको, थोड़ा सा मैं नीचे और आता हूं मजाक हो जाएगी आपको। दिस वन सर फिर डाउन होगी आवाज, ये जरा देखिएगा, इनको अगर मैं यूज करता हूं क्या हम इनका टाइलिंग पैटर्न मैच कर पाऊंगा मैं, क्योंकि डिफरेंट पैटर्न्स में है सारे ये तकरीबन ऑलमोस्ट, दैट विल बी अनडिसाइडेबल अगर मैं इनका पैटर्न तैयार करूंगा, ठीक है। अनदर डिसाइडेबल प्रॉब्लम क्या है जी जो अनडिसाइडेबिलिटी में आ जाएगा, दैट इज द बार्बर पैराडॉक्स। लेट्स से देयर इज अ टाउन, एक कस्बा है विद वन मेल बार्बर, ठीक है, बार्बर कहते हैं हजाम को, एंड दैट एवरी मैन इज अ टाउन, जो टाउन में है कीप्स हिमसेल्फ क्लीन शेवन, सब क्लीन शेव अपने आप को रखना चाहते हैं टाउन में, सम शेव देमसेल्व्स एंड सम आर शेव्ड बाय बार्बर, कुछ खुद करते हैं कुछ बार्बर से करवाते हैं, सो ओनली द बार्बर कैन शेव अनदर मैन, ठीक है। द बार्बर शेव्स ऑल एंड ओनली दोज मैन हु डू नॉट शेव देमसेल्व्स, सिर्फ उनकी शेव कर सकता है जो करवाने आते हैं। क्या बार्बर खुद से शेव करता है? ये देखें प्रॉब्लम, इज इट डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल, इट इज अनडिसाइडेबल टिल नाउ, ठीक है। वो यार पैराडॉक्स, ठीक है, हम ऐसे पैराडॉक्स में फंसे हुए हैं दैट वी कांट डिसाइड व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिसाइड, राइट। एग्जांपल मैंने आपको दिए, इसके अलावा अगर आप देखें प्रोग्राम टर्मिनेशन, कैन वी टर्मिनेट इफ अ प्रोग्राम विल टर्मिनेट, मैं उस प्रॉब्लम की तरफ मूव कर रहा हूँ। कैन वी डिटरमिन इफ अ प्रोग्राम विल टर्मिनेट गिवन वैलिड इनपुट, फॉर एग्जाम्पल मैं एक इनपुट देता हूँ x, x वाइल x इज नॉट इक्वल टू 1 डू द फॉलोइंग, जब तक x वाइल x इज नॉट इक्वल टू 1, जबकि x एक के बराबर नहीं है तो क्या करें, पहला काम सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम x, 2 से x माइनस करें। अब आपके पास सवाल है, डज दिस एल्गोरिथम टर्मिनेट व्हेन x इज इक्वल टू 15105, या डज दिस एल्गोरिथम टर्मिनेट व्हेन x इज इक्वल टू 2008? Can you decide that? Can you please decide that? तो मुझे बताएगा। Hello, can you hear me please? No sir, आपकी आवाज डाउन हो रही है। अब आप मुझे सुन सकते हैं, जिसको सही आवाज आ रही है वो बता दे मुझे। Does this algorithm terminate when x is equal to 15105? Or does this algorithm terminate when x is equal to 2008? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। Another example, if input x while x is not equal to 1, do the following. अब अगली कंडीशन आ गई, if x is even, divide x by 2. अगर x का आंसर even में आता है तो divide x by 2. Otherwise, set x to 3x plus 1. अगर इस एल्गोरिथम को मैं count, does this algorithm terminate for x is equal to 15, yeah, does this algorithm terminate for x is equal to 105, yeah, does this algorithm terminate for any positive integer x, aap kya decide karenge, ye bataiye please, ji can you tell me sir, I think last wala hai option, सारों के लिए क्या डिसीजन होगा फिर, सारों के लिए क्या डिसीजन होगा, अगर मैं सारों की कहूं ना तो एक वक्त में दिस इज नॉट पॉसिबल, सर पॉसिबल ही नहीं ऐसे, ठीक है ना, दैट विल बी अनडिसाइडेबल। अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से इसकी कॉन्ट्रडिक्शन,
लेट्स से आपने स्टार्ट किया एक फ्लो चार्ट, जरा गौर कीजिएगा, ठीक है, डज दिस एल्गोरिथम एंड, अगर ये एंड होता है जैसे दोबारा से वो काम स्टार्ट कर दे, अगर नहीं होता तो उसको एंड पे ले जाए, अगर इस पे क्या लग रहा है आपको, क्या चीज नजर आ रही है? मेरे पास कंडीशन है डज दिस एल्गोरिथम एंड, इफ यस देन रिपीट द प्रोसेस एंड इफ नो देन एंड द प्रोसेस, व्हाट विल बी योर आंसर प्लीज, व्हाट इज योर कॉन्ट्रडिक्शन? आरे साहब हाल चाल बाद में पूछ लेना यार जी, एंड पे जाएगा, एंड पे जाएगा, ठीक है। तो लेट से कोई एक कंडीशन मीट करती है, आपने कहा जी सर लास्ट वन वाली, मैं सारों की बात नहीं करता, क्या रिपीट करेगा साइकिल दूसरी कंडीशंस के लिए भी? डेफिनेटली। तो इस सेंस में आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू बी अनडिसाइडेबल, दैट इज नॉट कंप्यूटेबल प्रॉब्लम, ठीक है, टेकिंग टू मच टाइम, कॉम्प्लेक्सिटीज आर ओवर रीजन, सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट डिसाइड द प्रॉब्लम, ठीक है, दैट विल बी योर अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। इफ योर कंडीशन does this algorithm end, if the yes you will repeat your cycle, if no then terminate the program, theek hai, you are in the sense of contradiction ji, thodi si main ek baat aur karunga ji, contradiction is not just for computer scientists, contradictions bahut sari dusri cheezon ke liye bhi yahan pe kuch cheeze nazar aapko aa rahi hain, zara sign board zara dekhiyega mujhe aur apni raaye dijiyega, abhi zara ek aapko 2 minute de raha hu, zara gaur kijiyega sign board pe, thodi si hansi bhi aayegi aapko and you will be confused little bit, zara dekhiyega, sir maine aapse puchna tha participants mein, sir ye ladan jafri kaun hai, kidhar ye participants mein ladan jafri bhi hai koi, kaun, hello ladan jafri, I don't know यार कौन है ये, उसको किक आउट करते हैं फिर, सर मुझे तो निकाल दिया सर आपने, मैंने नहीं निकाला भाई, दोबारा आ जाओ, मैंने नहीं निकाला किसी को भी, तो मेरा लीव हो गया फिर, पता नहीं खुद ही हो गया ये, हाँ तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैंने किसी को नहीं निकाला यार, ओके सर आ रहा, आ जाओ आ जाओ, आ गया जी, ये जरा यार फिगर देखो प्लीज, लिखा जी नो टर्न राइट, ये लिखा हुआ राइट लेन मस्ट टर्न राइट, यू विल बी लिटिल बिट कंफ्यूज, इसे देखें जी फिगर एक है एंट्रेंस ओनली, फिर लिखिए लिखा हुआ डू नॉट एंटर, 20235 यस, और दूसरी जगह लिखा जी वन वे, एक जगह लिखा हुआ स्टॉप, नीचे लिखा हुआ नो स्टॉपिंग एनी टाइम, एक तरफ दोनों साइन है, एक जगह लिखा हुआ वन वे, उधर भी लिखा हुआ वन वे, अब कौन सा वन वे, ये वाला वन वे या वन वे, सो इट मींस कंट्रडिक्शन इज नॉट जस्ट फॉर कंप्यूटर साइंसेस, इट इज फॉर द जो है ना अदर देन कंप्यूटर साइंस पीपल, उन लोगों के लिए भी ये कंट्रडिक्शन है जी, सो कुछ हमारे ऐसी थिंग्स होती हैं, कुछ ऐसे हमारे पास प्रॉब्लम होती है हमारे डेली रूटीन लाइफ में भी जो कि अनडिसाइडेबल होती हैं, मच लाइक द सेम वे दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम that are non-computable or non-decidable, ठीक है, और lot of time consuming activities involved, ठीक है, तो इसको मैंने record भी कर लिया है, जिनके लिए voice quality बहुत ख़राब आ रही थी, ज़्यादातर के लिए तो ठीक आ रही है, तो जो दो तीन चार students हैं, क्योंकि जैसे हम एक session में आते रहते हैं ना, तो हमारी bandwidth जो है ज़्यादा utilize होना शुरू हो जाती है, तो participants, number of participants बढ़ते जाते हैं, तो definitely इससे bandwidth पे भी असर पड़ता है somehow जी, माई डियर स्टूडेंट्स, सो ये जो लेक्चर रिकॉर्डेड है, मैं आपके जो है मच लाइक द सेम है जैसे मैंने पहले आपको मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये आपको जो है लेसन आज का, ये भी आज का जो मकसद था कंपेरिजन शो करवाना था, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कंप्यूटेबिलिटी के हवाले से और कंप्यूटेबल फंक्शंस थे, आज हमारे पास नॉन कंप्यूटेबल फंक्शंस एंड अनडिसाइडेबिलिटी, सो दैट्स वाई आई एम हेयर, और कंपेरिजन मैंने आप लोगों को बता दिया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर है जिसको हमने प्लान करना है आप लोगों ने
क्योंकि आपके लेक्चर्स में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं, टाइम टेबल कुछ आपके एक्स्ट्रा एनरोल स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रॉब्लम आ रहा है. सो मिलकर डिसाइड करके उसको फिर नेक्स्ट में मजीद इशूज़ को हम देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करेंगे. ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच जी स्टूडेंट्स, थैंक यू सर. टाइम आप लोगों का लेना था, ठीक है, मैं ये बाकी शेयर कर देता हूँ. थैंक यू सर. एवरी वन यू शुड टेक केयर एंड दिस वन ये देख लीजिएगा, स्टे होम एंड स्टे सेफ, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ प्लीज, टेक केयर. ओके सर, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ सर. अल्लाह हाफिज़.